चमरामगढ़ कस्बे में मेगा स्वास्थ्य मेले में कम पहुंचे मरीज। उप जिला अस्पताल की औसत ओपीडी 750 जबकि मेगा स्वास्थ्य मेले में 500 मरीज ही पहुंचे। चमरामगढ़ जयपुर प्रदेश सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 19 अप्रैल मंगलवार को उप जिला अस्पताल चमरामगढ़ में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। प्रचार प्रसार के अभाव के कारण स्वास्थ्य मेले में कम संख्या में मरीज पहुंचे। सरकार ने स्वास्थ्य मेले के आयोजन का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया है। दोपहर 2 बजे मेले में सन्नाटा पसर गया। चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ भी इधर उधर घूमते नजर आए। विधायक गोपाल मीणा व प्रधान रामफूल गुर्जर सहित अन्य जन प्रतिनिधियों ने मेले का अवलोकन किया। स्वास्थ्य मेले में सुविधाओं के अभाव को लेकर नाराजगी जताई। विधायक गोपाल मीणा ने BCMHO डॉक्टर NK कोटीवाला व उप जिला चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र शर्मा से कहा कि अस्पताल में जांच मशीन नहीं होने या खराब होने की जानकारी उनको पहले देनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर है, इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य मेले लगाए जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लोगों को पूरा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने चिकित्सकों को मरीजों को अस्पताल से दवा देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों से काफी शिकायतें मिली है, समय पर MRS की बैठक होनी चाहिए। स्वास्थ्य मेले में कंप्यूटर सिस्टम व्यवस्था नहीं होने से लोक कल्याणकारी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मात्र 10 लोगों का ही पंजीयन किया गया। संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य विभाग जयपुर खेल शंकर भारद्वाज ने भी मेले का अवलोकन कर चिंता जताई। स्वास्थ्य मेले में ब्लड जांच की मशीन, CBC डिजिटल एक्सरे मशीन व सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को संबोधित जांच बाहर से करवानी पड़ी। हालांकि मेले में 35 तरह की जांचें व 480 प्रकार की दवाई मरीजों को दी जाने के लिए उपलब्ध रही।